इनका घर में दो बच्चे अकेला कमाने वाला। इंदौर पुलिस कमिश्नर के सामने ये माँ अपने मासूम बच्चे की मौत के आरोपी को सजा दिलाने की गुहार लगा रही है। दरअसल शनिवार को तुकुगंज थाना क्षेत्र में कार सवार नशे में धुत कारोबारी अजीत लालवानी ने एक्टिवा सवार सुनील गुप्ता समेत तीन मासूम बच्चों को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद सुनील गुप्ता और एक मासूम की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं अन्य तीन मासूम घायल हो गए। हादसे के बाद पुलिस ने आरोपी का मेडिकल कराकर उसे छोड़ दिया था, जिसके बाद वो विदेश भागने की तैयारी में था। मृतकों के परिजनों ने पुलिस पर लेन देन के आरोप लगाए हैं। इनका घर में दो बच्चे सर, अकेला कमाने वाला आदमी था उसका। सर वो पैसे लेके छोड़ जाएगा 13 घंटे में। सर आप कैसे छोड़ सकते हैं? सर ये तो आप समझ सकते हैं, बगैर पैसे की डील हुई नहीं। एडिशनल डीसीपी राजेश रघुवंशी ने कहा कि परिजन जिन धाराओं को एफआईआर में जोड़ने की मांग कर रहे थे उन धाराओं को लगा दिया गया है, साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, इनकी यही मुख्य मांग थी कि इसमें धारा 304 बढ़ी जाए। सर परिजनों का आरोप था कि जिस जगह आपको एक्सीडेंट हुआ था पुलिस ने उसका मेडिकल कराकर उसको छोड़ दिया था। जैसा घटनाक्रम सामने आया है उसमें पहले दिन जो प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था 304 ए में पंजीबद्ध हुआ था, स्टेटमेंट्स इसमें हो नहीं पाए थे पूरी तरीके से। पुलिस ने इसमें बाकी सब लोगों के स्टेटमेंट लिए भी हैं और अभी बाकी स्टेटमेंट भी ले रहे हैं, तो जैसी जो दुर्घटना हुई है उसको देखते हुए 304 इसमें बढ़ा दी गई है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि परिजनों ने तुकुगंज थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की भी मांग की है। फिलहाल पुलिस आरोपी कारोबारी अजीत को जल्द कोर्ट में पेश कर उचित सजा दिलाने की बात कह रही है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।